एंटी मालवेयर स्कैन इंटरफेस जो कि विंडोज पीसी को मालवेयर वायरसेस से प्रोटेक्ट करता है। तो ये ऐसे प्रोग्राम और स्क्रिप्ट को सिस्टम पर ब्लॉक कर देता है, उन्हें रन नहीं होने देता, पर इस सिस्टम को भी बाईपास किया जा सकता है। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हैकर्स विंडोज के AMSI सिस्टम को बाईपास करके किसी भी मैलिशियस प्रोग्राम को रन करा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल और आप सभी देख रहे हैं टेकजी यूट्यूब चैनल। वीडियो को शुरू करने से पहले आप एक बात खास तौर से ध्यान में रखिएगा कि ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही है। इस तरह की टेक्निक का यूज़ किसी भी गैर कानूनी या नैतिक गतिविधियों में बिल्कुल भी ना करें। AMSI यानी कि एंटी मालवेयर स्कैन इंटरफेस, ये एक विंडोज़ का सिक्योरिटी फीचर है जो कि विंडोज सिस्टम पर मैलिशियस प्रोग्राम और मालवेयर को डिटेक्ट करके रोकता है। ये फीचर विंडोज 10 और उसके बाद के वर्जन्स में उपलब्ध है। जब कोई एप्लीकेशन या स्क्रिप्ट चल रही होती है या कोई फाइल ओपन होती है तो AMSI उनके कंटेंट को रियल टाइम में स्कैन करता है। ये कंटेंट को चंक बाई चंक स्कैन करता है ताकि किसी भी सस्पिशियस एक्टिविटी या मालवेयर को डिटेक्ट कर सके। पर हैकर्स इसको भी इजीली बाईपास कर सकते हैं। इसके भी कई मेथड्स हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। गिटहब पर इसके लिए आपको कई टूल्स मिल जाएंगे जो कि AMSI को बाईपास कर सकते हैं। इसके कई मेथड उपलब्ध हैं। अभी यहाँ पर मैं कंटेंट्स को सर्व करने के लिए अपाची वेब सर्वर को स्टार्ट करूँगा। तो मैंने यहाँ पर टर्मिनल को स्टार्ट कर लिया है और मैंने यहाँ पर कमांड लगा दिया है sudo service apache2 start। उसके बाद यहाँ पर अपाची वेब सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। इसके वेब फोल्डर के अंदर मैंने कुछ कंटेंट डाले हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इसके वेब फोल्डर के अंदर आ चुका हूँ और ये देखिए यहाँ पर कुछ पावर सेल के स्क्रिप्ट मौजूद हैं। ये MSI रीपर AMSI को बाईपास करने के लिए है और ये मिमिकेट्स की स्क्रिप्ट है और ये नेटकैट के लिए है। तो अभी ये मैं पूरा डेमो अपने लोकल नेटवर्क पर परफॉर्म करूँगा। अभी मैं इजीली अपाची वेब सर्वर की मदद से इन फाइल्स को अपने लोकल नेटवर्क पर एक्सेस कर सकता हूँ। इसके साथ ही मैं काली मशीन पर नेटकैट का लिसनर भी स्टार्ट कर देता हूँ। तो उसके लिए भी मैंने कमांड यहाँ पर सेटअप कर दिया है और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर लिसनिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी हम चलते हैं अपने विंडोज़ मशीन पर। ये देखिए दोस्तों, ये मेरी टारगेट विंडोज़ 11 मशीन है। इसके अंदर मैंने सारी प्रोटेक्शन को ऑन किया हुआ है, यहाँ पर कुछ भी डिसेबल नहीं है। मैं आपको चेक भी करा देता हूँ। इसके लिए मैंने डिफेंडर को ओपन किया और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी तरह की प्रोटेक्शन ऑन है। इसके साथ ही मैंने एक्सक्लूजन के अंदर भी कुछ भी सेट नहीं किया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये भी यहाँ पर ब्लैंक है। तो जो अभी हमने स्क्रिप्ट अपने अपाची वेब सर्वर पर होस्ट की हुई हैं, मैं उनको यहाँ पर रन करा कर चेक करूँगा। देखते हैं यहाँ पर विंडोज़ उनको अलाउ करता है या नहीं। तो इसके लिए हमने टर्मिनल को ओपन कर लिया है। अभी मैं डायरेक्ट इन स्क्रिप्ट को पावर सेल के द्वारा यहाँ पर रन कराऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर मैं मिमिकेट्स को रन करा कर चेक करता हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर कमांड सेटअप कर दिया है। मैंने यहाँ पर अपने अपाची वेब सर्वर की IP और स्क्रिप्ट का नाम सेट कर दिया है। अभी मैं इसको जैसे ही रन कराऊंगा तो विंडोज़ का MSI सिस्टम इसको ब्लॉक कर देगा और अभी आप देख सकते हैं इसको एंटीवायरस ने ब्लॉक कर दिया है। इस स्क्रिप्ट के अंदर मैलिशियस कॉन्टेंट है इसलिए इसको ब्लॉक कर दिया गया है। तो अभी यहाँ पर मैं ऐसे कोई भी प्रोग्राम को रन नहीं करा सकता जो कि मैलिशियस है। ये इसको ब्लॉक कर देगा क्योंकि ये सिस्टम मैलिशियस प्रोग्राम को उनके बिहेवियर और सिग्नेचर से पहचान सकता है और ये काफ़ी पॉपुलर प्रोग्राम्स हैं, इनको कोई भी एंटीवायरस इजीली डिटेक्ट कर लेता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर नेटकैट भी रन नहीं हो रहा है, इसको भी यहाँ पर ब्लॉक कर दिया गया है। तो अभी यहाँ पर मैं MSI को बाईपास करूँगा। इसके लिए यहाँ पर मैं MSI रीपर का प्रयोग करने वाला हूँ जो कि ये स्क्रिप्ट भी मेरे अपाची वेब सर्वर पर ही होस्ट है। तो उसको भी यहाँ पर मैंने सेट कर दिया है। अभी मैं इस प्रोग्राम को जैसे एग्जीक्यूट कराऊंगा तो इसकी प्रोसेस मेमोरी में इंजेक्ट हो जाएगी जो कि MSI को बाईपास करने में हेल्प करेगी। और अभी आप देख सकते हैं ये स्क्रिप्ट यहाँ पर एग्जीक्यूट हो चुकी है। आप इसकी प्रोसेस आईडी देख सकते हैं। अभी ये प्रोसेस मेमोरी में इंजेक्ट हो चुकी है जो कि MSI को बाईपास करेगी। हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये वर्क कर रही है या नहीं। अभी मैं वापस से उन्हीं प्रोग्राम को रन करा कर चेक करता हूँ। देखते हैं अभी यहाँ पर MSI इनको ब्लॉक करता है या नहीं। तो मैंने यहाँ पर अभी नेटकैट के पावर शेल के वर्जन को रन कराया और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको ब्लॉक नहीं किया गया, ये यहाँ पर इजीली रन हो गया है। तो अभी यहाँ पर पावर कैट के द्वारा रिवर्स शेल लिया जा सकता है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर कमांड टाइप किया पावर कैट। अभी हम इसको क्लाइंट मोड पर यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए मैंने ऑप्शन लगाया -c। इसके बाद हमारे अटैकर मशीन की IP, ये यहाँ पर IP मैंने सेट कर दिया है और हमने जो लिसनर स्टार्ट किया था वो स्टार्ट किया था पोर्ट नंबर 4444 पर। तो ये पोर्ट भी यहाँ पर मैंने सेट कर दिया है। अभी यहाँ पर मैं रिवर्स शेल लूँगा तो इसके लिए मैंने ऑप्शन लगाया -e। यहाँ पर मैं एग्जीक्यूट कराऊँगा CMD को और यहाँ पर मैंने -v का भी प्रयोग कर लिया है, ये वर्बोस मोड के लिए है। इसके बाद हमें यहाँ पर रिवर्स शेल मिल जाएगा और अभी आप देख सकते हैं ये कमांड यहाँ पर एग्जीक्यूट हो चुका है। यहाँ से हमें रिवर्स शेल मिल गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी मैं अटैकर मशीन पर आ चुका हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें रिवर्स शेल मिल चुका है। MSI ने इसको ब्लॉक नहीं किया। अभी यहाँ पर मैं कोई भी कमांड को डायरेक्टली टारगेट मशीन पर एग्जीक्यूट करा सकता हूँ। ये देखिए यहाँ पर सारे कमांड एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर बड़ी ही आसानी से MSI सिस्टम को बाईपास किया जा सकता है।
फिर उसके बाद कोई भी प्रोग्राम को इजीली वहाँ पर रन कराया जा सकता है। जैसे कि पहले यहाँ पर मिमी कैट्स रन नहीं हो रहा था, अभी मैं इसको वापस रन करा के चेक करता हूँ और ये देखिए अभी यहाँ पर एग्जीक्यूट हो चुका है। अभी MSI ने इसको ब्लॉक नहीं किया, अभी मैं इजीली मिमी कैट्स को रन करा सकता हूँ और ये देखिए दोस्तों ये यहाँ पर एग्जीक्यूट हो गया है। तो इस तरह से यहाँ पर हैकर्स इजीली सिस्टम को भी बाईपास कर सकते हैं। भले ही आपने सारे प्रोटेक्शन को ऑन कर रखा है फिर भी इसको बाईपास किया जा सकता है। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी ये प्रोग्राम रन नहीं हो रहे हैं, पर मैं जैसे इसको बाईपास करूँगा तो ये प्रोग्राम इजीली यहाँ पर रन होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो बताइए दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि आपका एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है और आप इस तरह की प्रैक्टिकल वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो आप मेरे cybertube.net और techchip.net वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इन वेबसाइट पर अपनी काफ़ी सारी प्रैक्टिकल वीडियो डाली हुई हैं। यहाँ से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। और यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं, आपको ये जानकारी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सारी नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा ताकि मैं चैनल पर कोई भी नई वीडियो पोस्ट करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए और वो वीडियो मिस ना हो पाए। तो अभी के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, जल्दी ही मुलाकात होगी ऐसी किसी नए वीडियो के अंदर। वीडियो को अंत तक देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।